बटरी पार के लोगों की सुविधाओं को देखते हुए विकास कार्यों के लिए विधायक महापौर ने लगभग 62 लाख से CC सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। दुर्ग के वार्ड 5 मरार पारा में पटेल समाज भवन का 23 लाख की लागत से होने वाले कार्य बाउंड्री वॉल व सीमेंटीकरण सड़क कार्य का भूमि पूजन दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर पटरी पार में विकास और निर्माण कार्य के तहत वार्ड 21 स्ट्रीट हनुमान नगर मुकुट नगर व KPS स्कूल तक में सीमेंटीकरण सड़क निर्माण के लिए 12,50,000 की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर विधायक महापौर ने उपस्थित निवासियों से कहा कि मूलभूत विकास निर्माण कार्य के लिए पैसों की कमी नहीं है, आपकी जरूरत और सुविधाओं को देखते हुए आज विकास निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया है। गौरतलब है कि लंबे समय से पटरी पार पार्षद व नागरिकों द्वारा सड़क सीमेंटीकरण की मांग की गई थी। विधायक व महापौर ने काली मंदिर स्थित महापौर निधि व पार्षद निधि से 10 लाख की लागत से गार्डन को नया रूप देकर तैयार किया गया। इसका फीता काटकर शुभारंभ कर वार्ड के नागरिकों को सौंपा गया। इसके साथ ही वार्ड 59 में अधोसंरचना मद के राशि 9,32,000 रुपए की राधिका फोनिक्स के पीछे वाली सड़क का भूमि पूजन किया गया। साथ ही वार्ड 59 नरसिंह विहार कॉलोनी सड़क नंबर 1 में महापौर निधि से 7 लाख लागत का भी भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, वार्ड पार्षद अरुण सिंह, शिवेंद्र परिहार, जल कार्य प्रभारी संजय कोहले, दीपक साहू उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।